हेलो, और मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बुक है अघोरा वन एट द लेफ्ट एंड ऑफ गॉड, रिटन बाय रॉबर्ट ई सोबोडा। और ये उनकी टीचर विमला नंदन, जो एक अघोरी भी थी, उनके ऊपर लिखी हुई है उन्होंने। और इसमें चैप्टर है माँ शक्ति, शिवा, रणानुबंधना और मेंटर्स, अघोरा। मैं अभी अघोरा पढ़ रही हूँ, जो चैप्टर है, हाँ, जो मैं चैप्टर है अघोर मतलब अघोरा चैप्टर जो मैं पढ़ रही हूँ, उस चैप्टर में बाकी और बहुत सारी अच्छी बातें हैं। बट उसमें आप कैसे स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं, अघोरा जो है विद्या है वो किस बारे में है, इसमें कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या किया जाता है, इसको गलत समझा जाता है, मतलब क्या करते हैं, क्या ये सब। तो उसमें एक वो आता है जठराग्नि। मैंने जठराग्नि के बारे में सुना था, ऐसा आप भी जानते होंगे, जठराग्नि होती है जो हमारा खाना पचाती है। बट मुझे ये नहीं पता था एक और होती है, भूताग्नि। भूताग्नि और जठराग्नि जुड़ी होती है। भूताग्नि बेसिकली हमारी सटल बॉडी से जुड़ी हुई होती है, सूक्ष्म शरीर से। और जो हम रोज़मर्रा का खाना है उसका खाना नहीं होता, उसका खाना होता है कि मंत्रों का जाप करना, मंत्र जाप, जप होता है, रेसिटेशन ऑफ मंत्राज, जो उसके लिए ज़रूरी होता है। जब हमारा दिमाग परेशान होता है और तो हमारी जो भूताग्नि होती है वो वीक हो जाती है, उससे हमारी जठराग्नि भी वीक हो जाती है। तो फिर हमारा डाइजेशन नहीं हो पाता और हमको बीमारी हो जाती है। सो अभी मुझे यही शेयर करना था। बाकी उसमें ये भी है कि अगर आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है या आपकी आपको अपना आई थिंक भूताग्नि पे काम करना है, तो आपको जैसे हमें एक अच्छी बॉडी चाहिए होती है, तो हमें पूरा एक न्यूट्रिशन वाला खाना, पौष्टिक खाना खाना होता है, जैसे हमारी अच्छी बॉडी अच्छी बनेगी और ऐसा। तो लेकिन सूक्ष्म शरीर का के लिए खाना नहीं, उसके लिए मंत्रों का जाप करना, तो उसके लिए उल्टा है कि आप कम खाइए, है ना। तो आप जब कम खाएंगे तो आप में हंगर बढ़ेगी नॉलेज के लिए, तो उससे आपकी और उसके लिए सूक्ष्म शरीर के लिए वैसे मंत्र जाप बताया गया है, वो उसका खाना होता है भूताग्नि का। कम खाना, सोने का त्याग करना, स्पिरिचुअल जैसे उसमें लिखा है अघोर चैप्टर में कि कम खाना, नींद का त्याग करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये इससे हम ग्रो कर सकते हैं स्पिरिचुअली, उसमें ऐसा उसमें है बताया गया है। बिकॉज उसमें इसलिए ऐसे बताया गया है, जब हम खाना खाते हैं तो हमें नींद आती है, हम सोते हैं तो फिर हम डल हो जाते हैं। अगर आप 8 घंटे सोए तो अगले दिन हमने कहा हम 9 घंटे सोएं, और फिर इसी तरह से मतलब इसमें फिर हम कोई और इस ब्रह्मचर्य का पालन करना, बिकॉज हम खाना खाते हैं फिर हम ना फिज़िकली इन्वॉल्व होते हैं और फिर हम फिर मतलब एक तरह से वो डल। लेकिन जो अघोरी है और जो अघोर विद्या में उनके लिए बताया गया, उनको पूरी तरह अलर्ट रहना है, हर वक्त अलर्ट रहना उनके लिए बताया गया। इस सबसे फूड, सोना और ये फिज़िकल इंटीमेसी, ये उनके लिए वैसी बताई गई। ये वो करते भी हैं तो इसलिए करते हैं ताकि वो उस पर उसको ओवरकम कर सकें, इसलिए नहीं कर सकते सो दैट वी कैन दे कैन इन्जॉय दैट और दे कैन हैव प्लेजर फ्रॉम दैट। नो नो, दे डोंट दे डू इट बिकॉज दे वॉन्ट टू ओवरकम दिस। सो अभी बस यहीं तक के लिए। बाकी और इसके बारे में और वीडियो बनाऊँगी मैं, इसके किसी ना किसी चैप्टर के बारे में मुझे बात तो करनी है। ठीक है, तक के लिए बाय, टेक केयर।